वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित कुमार आजाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी ग्रामर का कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोर्स को देख रहे थे, जिसमें हम लोग आज वाक्यों का वर्गीकरण इस लेसन में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आप नीचे मेरा नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उस पर क्लिक करें, मेरे प्लेलिस्ट में जाए, उसमें आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको हिंदी ग्रामर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें सारे के वीडियोज आपको एक साथ मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पर आ जाए और आप लोगों का उसके साथ डिस्कशन हो। कोई कमेंट्स में कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, लाइव के दौरान पूछ सकते हैं, उस वक्त आपको रिप्लाई तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से बांटते हैं, कैसे हम पहचानते हैं, उसका अध्ययन कैसे करते हैं। तो वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। सबसे पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। तो दो तरीके से वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, यह वाक्यों का वर्गीकरण एक है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। वाक्यों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर आप लोग देख रहे हैं कि वाक्यों का वर्गीकरण जो किया गया है वो आठ जो भेद हैं उसके आठ भेद हैं, जबकि रचना के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है, पूरे वाक्य को, जितने भी हम लोग वाक्य पढ़ते हैं उन सभी को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रचना या बनावट के आधार पर वाक्यों के भेद। तो तीन भागों में बांटा गया है पूरे वाक्य को, एक है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य। ये आपके तीन भेद हैं। ये टेंथ के बोर्ड एग्जाम में भी आता है तो वो बच्चे भी देख सकते हैं, अगर आपके छोटे भाई बहन अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं अगले साल तो वो भी देख सकते हैं, ये आता ही आता है, एग्जाम पर भी आता है, पूछा जाता है कौन सा ये वाक्य का भेद है और एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलने का तरीका भी पूछा जाता है, बदलने के लिए कहा भी जाता है, क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी तैयार हो जाएंगे और वो बोर्ड एग्जाम के लिए भी उनका प्रिपरेशन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य, एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। एक ही उद्देश्य होता है और एक ही उसका विधेय होना चाहिए तो उसको हम सरल वाक्य, सिंपल वाक्य कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं हम लोग उसको। जैसे आपका है नोट, कर्ता को उद्देश्य तथा बाकी सभी को विधेय कहा जाता है। तो यहाँ पे जो शब्द आए हैं एक उद्देश्य और विधेय, अगर उसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे नोट करके दिया गया है कि कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं और बाकी जितने भी चीजें कर्ता के अलावा हो सब के सब विधेय कहलाता है। तो जहाँ आपका एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, यानी कि एक ही कर्ता हो और बाकी जो चीजें हैं वो भी एक ही हो, तो आपका सरल वाक्य कहलाएगा वो। जबकि हम संयुक्त वाक्य में चले तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य देखते हैं, उसके बाद उसका एग्जाम्पल वगैरह हम लोग देखेंगे। संयुक्त वाक्य है जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और आपस में और, एवं, परंतु, अथा, तथा, लेकिन, किंतु, पर आदि शब्दों से जुड़े होते हैं तब संयुक्त वाक्य कहलाता है। यानी कि यहाँ पे एक से अधिक आपके सरल वाक्य जुड़े हुए होंगे और वो सरल वाक्य जो जुड़े होंगे वो इन सब प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ होगा। अगर ये सब प्रीपोजिशन आपको दिख जाता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो सरल वाक्य है। ठीक है, किससे जुड़ा होगा? तो वो है में, एवं, परंतु, तथा, लेकिन, किंतु, पर आदि, इन सब शब्दों से वो जुड़ा होगा, तो सभी को हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे आप नीचे एग्जाम्पल दे सकते हैं, मजदूर मेहनत करता है लेकिन वह उसके साथ लाभ वंचित रहता है, उसके लाभ से वंचित रहता है। तो यहाँ पर लेकिन से दो सेंटेंस जुड़ा हुआ, एक है मजदूर मेहनत करता है, दूसरा है वह उसके लाभ से वंचित रहता है। ये दो सेंटेंस, दो वाक्य आपको लेकिन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाक्य, ये पूरा वाक्य क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं, संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल को देखते हैं। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। तो दो चीज है, प्रिय बोलो और दूसरा है असत्य मत बोलो, दो आपके वाक्य हैं और वो जुड़ा हुआ किससे? पर से। तो कैसा वाक्य है ये? संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। राम घर गया और उनसे माँ को, उसने माँ को देखा। तो राम घर गया और उसके बाद उसने माँ को देखा, दो काम हो रहा है और ये और से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये सभी के सभी आपके क्या है? संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल है। राम घर गया और उसने माँ को देखा, तो कोई भी प्रीपोजिशन से आपका जुड़ाव रहे, एंड, बट, इफ, कुछ भी लगा रहे। ठीक है, अंग्रेजी करके आप और आसानी से कर सकते हो, क्योंकि अधिकतर बच्चे जिनको हिंदी में दिक्कत होता है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं।
ठीक है, इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं उनको दिक्कत आती है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इजीली देख सकते हैं। जहाँ पे भी उनको ऐसा किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ दो वाक्य मिल जाए तो उसको वो संयुक्त वाक्य समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। संयुक्त वाक्य हम लोगों ने देख लिया, नेक्स्ट है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र या फिर आश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक और अन आश्रित उपवाक अर्थात पहले का वाक्य का होना दूसरे वाक्य पर निर्भर हो और आपस में जो जो की क्यों क्योंकि की यदि यद्यपि जैसे जैसा वैसा जब तब अब तक आदि शब्दों से जुड़े होंगे तो वो मिश्र वाक या मिश्रित वाक कहलाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, एक वाक दूसरे वाक पे आश्रित रहेगा। वहां पे आप अगर संयुक्त वाक में दिक्कत जहां होता है, संयुक्त और मिश्र में बच्चों को दिक्कत आता है। सरल वाक तो सिंपली एक सेंटेंस, एक टेंस रहेगा और एक उसमें कोई वाक्य रहेगा, एक सेंटेंस रहेगा तो हम उसको तुरंत कह देंगे सरल वाक। पर संयुक्त और मिश्र में हमें दिक्कत आती है क्योंकि इसमें दो वाक्य मिल जुड़े हुए होते हैं, पर उसमें जुड़ा हुआ था प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ था, इसमें इफ यदि ये होगा तब ये होगा, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, एक वाक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। जबकि आप चले जाएं संयुक्त वाक में तो संयुक्त वाक में एक वाक दूसरे वाक से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। ठीक है, जैसे कि आप पिछला एग्जाम्पल ही देख लीजिए, आप पिछले एग्जाम्पल राम घर गया उसने माँ को देखा, दोनों एकदम स्वतंत्र वाक्य हैं और बीच में जुड़ा हुआ और से प्रिय बोलो असत्य नहीं। ठीक है, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, तो प्रिय बोलना अलग वाक्य है, असत्य बोलना अलग वाक्य, दोनों पर से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको समझना है चीजों को कि कैसे हम मिश्र वाक और संयुक्त वाक में डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण भी यहाँ दिया हुआ है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी को के ढाल पर चलती है। ठीक है, तो राजनीति एक दो वाक्य है इसमें, राजनीति अब व्यवसाय बनती जा रही है, दूसरा है गुंडागर्दी के ढाल पर चल रही है। ठीक है, पर एक पे दूसरा डिपेंड कर रहा है। राजनीति अब तक व्यवसाय बनती जा रही है जो, ये किसके लिए आया? इसके लिए आया, एक बाग के दूसरे बाग से स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, जो गुंडागर्दी का ढाल बनती जा रही है, तो इस प्रकार से ये जो वाक्य है वो मिश्र वाक है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब तक वह घर पहुंचा तब तक पिताजी जा चुके थे, एक पे दूसरा डिपेंड कर रहा है, एक आया तब वो चले जा चुके थे। तो जब तक तब तक इस चीज लगा रहेगा तो हमें क्या समझना है? मिश्र वाक समझना। तो इतनी छोटी सी चीज थी जिसमें हम लोगों को दिक्कत होता था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अर्थ के आधार पे हम वाक्यों का वर्गीकरण करते हैं। अर्थ के आधार पे वाक्यों के भेद 8 होते हैं, यानी ढेर सारे वाक्यों के भेद होते हैं, उसको हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है, कंपटीशन के लिए देखना है, पूरा व्याकरण हम लोगों को देख लेना है, तो थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग। विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य होने का भाव प्रकट होता है वह विधिवाचक वाक्य कहलाता है, यानी किसी काम के होने का भाव उसमें प्रकट होता है। जैसे वर्षा हो रही है, रीना खाना खा रही है, मीरा स्कूल जा रही है, इन वाक्यों में क्या हो रहा है? कार्य के होने का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें भी कोई काम आए यानी क्रिया हो रहा हो तो आपको उसको क्या कर देना है, कौन सा वाक्य मानना है, विधानवाचक या फिर विधिवाचक। उसके बाद निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य ना होने का भाव प्रकट हो वो निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। उसमें काम होगा तो विधिवाचक, नहीं होगा तो निषेधवाचक। जैसे बिमला खाना नहीं खा रही है, वर्षा नहीं हो रही है, इस प्रकार के वाक्य जो होंगे वो निषेधात्मक वाक्य होते हैं। इसमें निषेध होता है, काम नहीं हो रहा होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से क्लियर है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसे तो बच्चा इसे ही बता देगा, इसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों रो रही हो, ये सब जो वाक्य हैं वो कैसे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं, इसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रार्थना, आज्ञा, आदेश और उपदेश आदि का बोध हो तो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। क्या होता है इसमें आज्ञावाचक वाक्य में? या फिर प्रार्थना की जा रही हो, आज्ञा लिया जा रहा हो, आदेश दिया जा रहा हो, उपदेश दिया जा रहा हो, ये सब सभी के सभी आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जरूरी नहीं कि इसमें आज्ञा मांग रहा, प्रार्थना किया जा सकता, आदेश भी दिया जा सकता, उसको भी हम आज्ञावाचक वाक्य ही कहते हैं। जैसे तुम यहाँ आओ, ठीक है, हम बुला रहे हैं, तुम यहाँ आओ, तुम दरवाजा खोल दो, ये सब आज्ञावाचक वाक्य ही है। नेक्स्ट है आपका इच्छावाचक वाक्य।
इच्छा वाचक व्यंजन, देखो नाम से ही वाक्य के नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कौन सा वाक्य होगा। जिस वाक्यों की इच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद आदि का बोध होता है तब इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे ईश्वर करे आप शिक्षक बन जाएं, इसमें इच्छा प्रकट की गई है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी रखें, ये सब आपको दुआएं दी जा रही है, विशेष दी जा रही है, सब इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। संकेत वाचक वाक्य आपका है, संकेत वाचक वाक्य जिन वाक्यों में संकेत या संभावना का बोध होता है तब संकेत वाचक वाक्य कहलाता है। अर्थात पहले क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वह संकेतात्मक वाक्य कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है इसमें, संकेत में वाक्य संकेत मिलता है या फिर संभावना का बोध होता है, ये होगा या नहीं होगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे यदि कठिन परिश्रम करते हो तो पास हो जाते, यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, ये एक वाक्य है। और इस वाक्य में एक चीज दूसरे पर निर्भर कर रहा है, काम तो हो रहा है पर संदेह है, संकेतात्मक है, कोई स्पष्ट रूप से नहीं है कि पास होगे कि नहीं होगे। अगर काम करते तब पास होते, अगर वर्षा होती तो अच्छा फसल होता, संभावना है होता, कोई जरूरी है नहीं है कि अच्छा पानी पड़ेगा तो अच्छा फसल हो ही जाएगा। उसके बाद संदेहवाचक वाक्य, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इससे पहले संकेतवाचक वाक्य पढ़ा जिसमें हमको एक पर दूसरा चीज डिपेंड कर रहा होता है, पर यहां संदेहवाचक है, इसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। संदेहवाचक मतलब कोई बात काम होगा हो रहा है, इस काम को कंफर्मेशन नहीं है। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे शायद रात को बारिश होगी, तो यह संदेह है होगी या नहीं होगी, तो वो आपका संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो लास्ट है वह है विस्मादी बोधक वाक्य। आश्चर्य व्यक्त करने वाले वाक्य को हम विस्मादी बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य, ये सब सब क्या कहलाएगा, ये सब सब विस्मादी बोधक वाक्य कहलाएगा, जिसमें हमको आश्चर्य व्यक्त करते हैं, अरे वाह कितना अच्छा दिन है, आज सुबह है, ये सब सब क्या है, विस्मादी बोधक वाक्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य भी आपका समाप्त हो गया। तो हम लोग देख ही रहे हो कि जो चीजें भाई जितना इंपॉर्टेंट उस प्रकार से हम लोग समय दे रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें कोई हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन आ रहा है जिसको मैंने कवर नहीं किया या फिर जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आता है, उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन आ रहा है, उसका सिलेबस में देख के अपना जो भी ऐड करना रहेगा मैं ऐड कर दूंगा अपने नोट्स में। ठीक है, अगला हम लोगों को अगले वीडियो में जो दिखाऊंगा मैं बताऊंगा वह है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसको हम लोग अगले वीडियो अगले लेक्चर जो इसका होगा उसमें हम लोग इसको बताएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेश्चन आया हो जिसमें आपको स्पष्ट आंसर नहीं आ रहा, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। आप मुझे और अलग सोशल प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं जिसका सबका लिंक आपको मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, या फिर चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर भी मिल जाएगा उसका लिंक। तो आप किसी भी जाके मेरे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ भी आप कमेंट सेक्शन, सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप इस वीडियो के नीचे ही कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि मैं वीडियो को रेफरेंस लेकर जवाब दूंगा। ठीक है, और आप लोग आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं, अगर एक कोई क्वेश्चन पूछता है तो वेट ना करें कि मैं जवाब दूंगा, अगर किसी को आता है तो वो जवाब दे, आपस में डिस्कशन करने से आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, मैं बार बार पूछना कहता हूँ कि कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ही पूछिए, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कोई ऐसा मुझे लगेगा कि कहीं पर सुधार की जरूरत है, कोई ऐड करने की जरूरत है, यहाँ पर कुछ छूट गया तो छोटी छोटी चीज़ें छूटेगी तो उसको मैं कमेंट सेक्शन में ऐड करता हूँ, अगर बड़ी चीज़ें छूट जाएंगी तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ऐड करूँगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत सारे बच्चों को जरूरत है, जैसे अभी कोरोना वायरस चला हुआ है। ठीक है, तो सेफ रहिए, और अभी सभी बच्चे कोचिंग वगैरह बंद है तो अभी कहाँ से आप पढ़ोगे, अभी इसी वीडियो से लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, उन लोगों के साथ शेयर करना, देखो छुट्टियाँ होने से, कॉलेज शूट बंद होने से ऐसा तो है नहीं कि आपका एग्जाम टल जाएगा। ठीक है, एग्जाम तो उसी वक्त रहेगा, उसी पर आप आगे पीछे होगा, पर उतने समय में आपको कवर नहीं किया जा सकता है। तो आपकी ज़िंदगी है, आपके हाथ में है, आप पढ़ना है आपको। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के भरोसे मत रहिए, आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, यही समय है आपको दूसरों से आगे निकलने का, क्योंकि इस समय में सब लोग रेस्ट कर रहे होंगे, आप पढ़ लोगे, सब घर पर जाएंगे तो घर पर पढ़ाई नहीं होता है।
तो आप जहाँ भी हैं, घर पे भी हैं, तब भी पढ़ सकते हैं। आप एक रूम में बैठिए और एक टाइमिंग लगाइए कि इतने से इतने बजे तक मुझे ये लेक्चर देखना है, ठीक है। ये सब टाइम मैंने उसका रूटीन बनाइए और रूटीन बना के इसे प्रिपरेशन कीजिए और प्रिपरेशन में लगे रहिए, ठीक है। मॉडल सेट सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन जो मुझसे हो सकता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कहा कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए तैयार होता हूँ। जैसे आप मुझे इंजीनियरिंग वाले सेक्टर वाले बच्चे कहते रहते थे हिंदी ग्रामर में दिक्कत होता है, हिंदी के वो एग्जाम देते थे, मैंने उस पर कोर्स ले आया, ठीक है। बाकी लोगों को मैं एडुकेटर को जोड़ रहा हूँ, लेकिन आप लोग चूँकि सब्सक्राइब नहीं करते तो इस पर अच्छे अच्छे कंटेंट नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे लोग इस पर चैनल पर आए, काम किए, पर वो रेगुलर नहीं रह पाए, ठीक है। बहुत अच्छा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी एक कोर्स आ रहा था, उन्होंने सर ने उसको कंटिन्यू नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस पर उस प्रकार का व्यूज नहीं आ रहे हैं, लोग जब देखेंगे नहीं तो कोई भी आपका बनाना नहीं चाहेगा। मेहनत इतनी करता है तो लोग चाहता है कि इससे मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि अधिकतर लोग जो यूट्यूब पर आते हैं उनका ये उद्देश्य नहीं होता पैसा कमाना, पैसा यूट्यूब से कुछ खास इनकम नहीं होती है। यूट्यूब पर इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक रीच पहुँचे, मैक्सिमम लोग उनके नॉलेज से फ़ायदा उठा पाएँ, कि ऑफलाइन क्लास में हर बच्चा वहाँ तक पहुँच उनके पास तक नहीं पहुँच पाता है। तो एक तो वो चाहते हैं कि भैया लोग जाने मुझे और लोगों को जितना मैं दे सकता हूँ वो दूँ, ठीक है, तो वो चाहते हैं। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इसको पहुँचाइए। अभी फ्री बैठे होंगे आपके फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर जहाँ भी है, जिस भी ग्रुप में है आप व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। उन लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए या स्टेटस में लगा लीजिए, ठीक है, और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इस लेसन में इतना था। थैंक यू वेरी मच।